प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रेम अपने आप में पूर्ण होता है। क्यों? प्रेम मेरे राम जी के स्वरूप का नाम है। प्रेम कि भगवान सब जगह दौड़ कर पहुंच जाते हैं। एक हम आपको छंद सुनाते हैं। हमारे चाचा है पंडित तारकेश्वर मिश्र राही, उन्होंने हमको सुनाई थी ये छंद। कथा में कभी कभी स्मरण में आता है तो हम लोग सुनाते हैं। प्रेम के आप दृश्य देखिए, द्रौपदी ने एक बार कृष्ण के वो क्या शिशुपाल भगवान कृष्ण को लगा उल्टा सीधा बोलने, तो भगवान ने शिशुपाल की मां को वचन दिया था कि देखो मां, जन्म लेते समय पता चल गया था कि कृष्ण के हाथों इसका वध होगा। मां रोने लगी, कृष्ण ने कहा कि देखो मैं 100 अपराध इसका माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद 101 होगा फिर मैं नहीं माफ करूंगा। कृष्ण को लगा अब शब्द सुनाने, भगवान मुस्कुराते रहे और जैसे 100 पूर्ण भया, कृष्ण रोका सावधान अब आगे मत बोलना। जैसे अगला शब्द कहा, सुदर्शन चक्र निकला और समाप्त कर दिया। उस समय कृष्ण की उंगलियां कट गई, तो द्रौपदी ने अपने साड़ी में से कोर में से फार के और उस कपड़े से कृष्ण के उंगलियों के घाव को भर दिया। एक बात मैं आपको कहूं, मेरे पूज्य महाराज श्री गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, महाराज जी भी कहा करते हैं, क्या जीवन में, इस बात को ठीक से समझिएगा, जीवन में एक बार कोई उपकार कर दे उसके बाद हजारों बार अपकार करे उसके बाद भी उसके उपकार का विस्मरण नहीं होना चाहिए। एक बार कोई हमारा हित कर दे उसके बाद कितना भी नुकसान करे उसके हित को नहीं भुलाना चाहिए। कृष्ण रोज देखते थे उस चोट को, घाव तो ठीक हो गया, उंगलियों पर निशान पड़ा था, कहते थे बहन तेरा कर्ज चढ़ा है मेरे ऊपर, दुशासन लगा खींचने साड़ी, दुशासन खींचने लगा। पहले तो अपने हाथ से पकड़ी थी द्रौपदी की, बचा लूंगी मैं सक्षम हूं बचा लूंगी, फिर लगा कि अरे ये तो खींचते जा रहा है, अब तो बचने से बचने वाला नहीं है, बचाने से तो पकड़ी है और दुशासन से कह भी रही है, अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, तेरा हमार जो ऊ सुनी पई है, बाविश्वास विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हम के बिस रही है। कहती है जितना दम है तेरे से नहीं होता, अपने अंधे बाप को बुला ले वो भी दम लगा ले, अपना दुर्योधन बैठा उसको भी लगा ले, जितना दम है जोड़ लगा के खींच ले, मेरा विश्वास है विपत्ति में बुलाऊंगी, घर वाले मेरा पति भले उठ कर ना आए मेरा भाई दौड़ कर आएगा। कहती है अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, तेरा हमार जो ऊ सुनी पई है, बाविश्वास विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हम के बिसरई है, देर लगी ना अबेर लगी, बिरना हिरना असधावल आई है, अब भौजी के गोद में हुई है धमे, मुरटेर सुनी ठिर ना रही पई। कहती है कि जहां भी होंगे मैं पुकारूंगी, दौड़ से आएंगे, खींचो, दुशासन खींच रहा है। द्रौपदी को लगा अब मेरे बचाने से मेरी इज्जत बचने वाली नहीं है, जिस हाथों से साड़ी को पकड़ा था हाथ से साड़ी को छोड़कर और हाथ ऊपर उठाकर कह दिया कन्हैया मैं तो बचा भाई, अब तुमको बचाना है तो तुम बचा लो। कहती है गाढ़े मने विपत्ति होता है,
गाढ़े मने विपत्ति। तो कहती हैं, अरे गाढ़े में जो बिसरई बहरी, यदि विपत्ति में तुम मुझे भूल गए, गाढ़े में जो बिसरई बहरी, तब जा तो हसे हम बोल बनाई, तू बहिना बहिना कह पर नाता कबो हम जोड़ बनाई, सावन में तोहे बांधे बदे जरई कबो ताल में बोर बनाही, अपू सम जो खिचड़ी लेके आई बा भले सड़ी जाई मुखोल बनाई। आज भूल गए तो याद रखना, संबंध समाप्त कर लो। आगे कथन है विनय, कृष्ण चल पड़े। अरे तीन विमान उड़े नभ में अगवा के बढ़े इहे होड़ लगा। शुरू से दीजिए, किताब दीजिए, किताब दीजिए, किताब दीजिए, मैं आपको सुनाता हूं। द्रौपदी ने कहा, आज विपत्ति में भूल गए तो याद रखना, आज नहीं ये राखी चल गया, पहले बहने श्रावण प्रारंभ होने के पहले ताल में जरई बोर देती थी, तो एक महीना बीतते बीतते सावन के अंत में पूर्णिमा के दिन जिस दिन रक्षाबंधन होता है उस दिन जरई इतना बड़ा हो जाता था, उसी ताल से उस जरई को निकाल के अब बहने भाई के कलाई पर राखी बांधा करती थी। कहती है द्रौपदी, यदि तुम भूल गए तो याद रखना, तुम्हारे हाथों में बांधने के लिए मैं आज के बाद जरई कभी ताल में नहीं लगाऊंगी। खिचड़ी लेकर आओगे सड़ी जाएगा, लेकिन खोल कर देखोगे नहीं कि मेरा भाई क्या लेके आया है। कृष्ण से जैसे बोली, कृष्ण दौड़ पड़े। आप दर्शन करिए, आगे से चीर बढ़े नभ में, आगे आगे वस्त्र दौड़ा, उकरी पिछवा दौरे ले मुरारी, आगे कपड़ा भाग रहा है और कपड़े के पीछे कृष्ण भाग रहे हैं। आगे से चीर बढ़े नभ में उकरी पिछवा दौरे ले मुरारी, आज कन्हैया भगे इतना उनका के न छू पवले उरगारी। उरगारी यानी गरुण, गरुण भगवान के वाहन है, भगवान के वाहन गरुण का वेग मन से भी तेज है, सबसे अधिक वेग किसी वाहन का है तो गरुण का है, भगवान उस पे चलते हैं। क्यों? भक्त कब कहां बुला दे क्या भरोसा, मन की गति से अधिक, मन अभी यहां है, अभी पहुंच गया अमेरिका, तो मन को अमेरिका पहुंचने में समय लगता है, उससे कम समय गरुण को लगता है, लेकिन आज भगवान इतने तेज भागे हैं कि उनका वाहन गरुण भगवान के पीछे ही रह गया, आगे आगे वस्त्र, उसके पीछे भगवान और भगवान के पीछे उनका गरुण। साधक कहता है, तीन विमान उड़े नभ में, आज एक साथ तीन तीन विमान उड़ रहे हैं, तीन विमान उड़े नभ में अगवा के बढ़े इहे होड़ लगारी, आई सभा में आकाश से कान्हा बढ़ावन लागे हैं छोर से साड़ी। कृष्ण आकर सभा में खड़े हो गए और दुशासन खींचते जा रहा है और वस्त्र बढ़ते जा रहा है, साड़ी घटे ना तो बोला दुर्योधन, जब साड़ी नहीं घटा तो दुर्योधन बोला, अरे खींच दुशासन जोर लगा दे, सारा दम लगा दो। ई सुन के द्रौपदी हंसी बोली, आ तू अब जोर लगा सहजा दे, तू भी जोर लगा ले, हा? बाती दयादि के आई गई बात, बाती पे बाती हमें भी कहे दे, चीर घटी ना दुशासन से अपनी अनहरा बपवा के पठा दे। तुम दोनों के बस की बात नहीं, अब अपने अंधे बाप को भेज दो, वो आके खींच ले। खींच रहा है दुशासन, खींचते खींचते थक गया। कृष्ण एक ओर से साड़ी बढ़ा रहे हैं, दूसरी ओर से द्रौपदी को देख रहे हैं, कह रहे बहन मैं आ गया हूं, आके कन्हैया कहे बहिना,
काहे बोलत नहीं खे को हाइल बाड़ी, क्यों नहीं बोल रही हो तुम? राही में ना पनियो पियनी, मैं पानी भी नहीं पिया हूं, तनी देख हमें कि घमाइल बाड़ी। मुझे धूप लग गया है, तुम्हारे लिए मैंने कहीं विश्राम भी नहीं किया, पानी भी नहीं पिया। बाहन बा अब ही मोर पाछे मो पैदल धावल आवत बानी, बाहन पीछे है अभी मैं पैदल आया हूं। अद्वारी का धीश कते बहिना लुगरी बद काहे कुहाइल बानी। तेरा भाई कोई गरीब नहीं है, द्वारिकाधीश है। द्वारिकाधीश की बहन एक साड़ी के लिए अपने भाई से बात न करे, ये मेरा अपमान है, तुम नाराज मत हो जाओ। कृष्ण कहते हैं खींचे दे साड़ी मो देखत बानी, खींचने दो मैं देखता हूं। यहां पर के बलवान बड़ावा, कौन यहां बलवान है? तेरा भाई बलवान है कि दुष्ट दुशासन बलवान है? आज खींचने दो पता चलेगा। कि बहिना के गुहार पे भाई भी आके सभा बिचवा में खड़ा भा। कृष्ण याद दिलाते हैं वही प्रेम। फारी के तू बनहली सरिया अब ही अंगुरी में निशान पड़ाबा। और एक बात कहूं, सूद में ढाकब लाज तुहार मूल तुहार पड़ा का पड़ाबा। कहते तुमने जो साड़ी फाड़ कर अपने भाई के उंगलियों पर बांधा, उस उपकार का जो ब्याज है उस ब्याज में ही मैं तुम्हारी लज्जा बचा दूंगा। तुम्हारा कर्ज भाई के ऊपर जीवन भर बना रहेगा, वो कर्ज उतरने वाला नहीं है। ये क्या है? प्रेम है। प्रेम को